कौन है वो पांच खुश नसीब बच्चे जिन्हें आप मेडल्स देंगे इस हफ्ते? यस जावेद भाई, हम नाम तो अनाउंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तीनों जजेस ने मिलकर ये फैसला लिया है कि कुछ नया करते हैं। क्या नया करते हैं? नया ये है कि हर हफ्ते हम बेस्ट टीम ऑफ द वीक अनाउंस करेंगे। तो अलका जी, बता दिया जाए, हम तीनों ने जो सोचा है और जो फैसला किया है वो ये है कि वो टीम जिसके सारे बच्चों ने इस हफ्ते दुनिया को हिला दिया, बाजी मार ली है, उस टीम को इस हफ्ते द बेस्ट टीम का खिताब मिलेगा और वो है दानिश। टीम दानिश के दबंग्स के लिए एक बार हाथ टूटने तक तालियां। टीम ऑफ द वीक। तो जजेस, कौन है वो पांच नाम, प्लीज हमें बताएं। ये जो फाइव मेडल्स हैं जो कि टॉप फाइव कंटेस्टेंट्स ऑफ द वीक को दिए जाएंगे, ये हर एक के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर बेस्ड होंगे। पहला नाम है मेरा दोस्त लेकिन जो मुझे दुश्मन समझता है, ऋतुराज। ओह माय गॉड, क्या पप्पी दी है, व्हाट अ फ्लाइंग किस। ऋतुराज और वो दूसरा नाम है आर्यनंदा। अगला नाम है हमारे गोल मटोल प्यारे से शेफ प्रत्युष। नेक्स्ट नेम जो है वो है प्यारी सी गुड़िया मेरी समायरा। अगला जो बच्चा है और उसका नाम है प्रांजल। मुझको नहीं मिलती,
चलती खुद को देखने तक के भी फुर्सत मुझको नहीं मिलती उनके इश्क के नूर के आगे शम्मा नहीं जलती नंदा इसको कहते हैं परफेक्ट टेक। अगर ये गाना रिकॉर्ड हो रहा होता तो दिस वॉज अ परफेक्ट वन टेक परफेक्ट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थैंक यू। इसे कहते हैं बेस्ट बच्चे एवर। सीधी सी बात है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि जिस उम्र में बच्चे म्यूज़िक का नाम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं वहाँ पे तुम लोग म्यूज़िक की हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोग्राफी लिख रहे हो। सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड यू गोना गो प्लेसेस फैंटास्टिक रिस्पेक्ट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू वेरी वेरी गुड सिंगिंग फैंटास्टिक। तुमने महफिल सजा दी तुमने दुनिया हिला दी। अगस्त 2021 को इनमें से एक कैप्टन खामोश सी थी। वो आज भी खामोश ही है पर उनका क्रेज अहमदाबाद से लेकर अमेरिका तक पागलों की तरह छाया हुआ है। टोटल हॉटी इन कैप्टन की खाल अरुणिता कांजी लाल और उनके साथ उन्हीं की टीम से फुल ऑफ जैज सबका चॉकलेट बॉय मोहम्मद फैज। अरुणिता तुम गा रही हो उसके साथ? जी मैम गा रही हूँ इसके साथ। पवनू जी अदिव्या आज अरुणिता कैसी लग रही है? बहुत कमाल लग रही है। और अरुणिता आज हमारे पवनू कैसे लग रहे हैं? बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सब कमाल लग रहे हैं। बहुत ही अच्छे सब नहीं सोनी टीवी। आदित्य अब आप अंतर ध्यान हो जाइए। हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया जो तेरे ना होए तो किसी के ना रहेंगे दीवानी मैं तेरी तू मेरा पागल पिया हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी न जाने ये ज़माने
क्या बात, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। सलमान, ओ माय गॉड, ये आपकी कुर्सी क्यों कांप रही है? लगता है कोई आ रहा है जो मेवात के ही नहीं तुम्हारे इस कैप्टन के सिंहासन से भी तुमको हटाना चाहता है। कौन है वो? मैम, मैं ये हथौड़ा इसलिए लाया हूँ क्योंकि जिस टाइम मुझे ये चेयर खाली मिलेगी मैं उसी टाइम इसे तोड़ दूंगा। अरे बेटा, तुम्हें क्या दुश्मनी है सलमान से? बात ये है कि ये अपने आप को ही सिंगर समझता है, अपने आगे किसी को भी नहीं समझता, तो मैंने सोचा मैं सुपरस्टार सिंगर में जाऊंगा। ये दर्द भरी कहानी सुन के तो मन करता है ये हथौड़े लेकर अभी सलमान के मुंह में मार दूं। नहीं सर, मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहता,
मुझे उनकी चेयर तोड़नी है भाई। ये चेयर जो है शोएब अली, ये मेहनत से कमानी पड़ती है और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं इसको आसानी से नहीं तोड़ने दूंगा। जिस टाइम ये खाली मिलेगी उस टाइम गई। खाली मिलने वाले नहीं लगता, वो इधर ही सोएगा इधर ही बैठा रहेगा। जिसने सलमान अली की लाइफ में मचा दी है खलबली, पवन के पटाखे शोएब अली। शादी की खुशी में जो बिना इनविटेशन के भौंरा होकर नाच रहा था वो है ये। प्रत्युष इस लेवल के बेली डांसर हो यार। सर ये बेली डांसर नहीं है, ये जेली डांसर है। ये हम क्लिपिंग में नहीं, हम लाइव देखना चाहते हैं। मैं तो देखने के लिए उत्सुक हूँ। प्रत्युष के लिए तालियां। वादा करो नहीं छोड़ो कि तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ो कि तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं।
इतना क्यूट परफॉर्मेंस था, बहुत ज्यादा। तुम जो इंटरेक्ट कर रहे थे शायली के साथ, किसी का तो देना होगा, दे दो मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं। बेटा क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम एकदम छोटे शशि कपूर लग रहे थे। थैंक यू सर। मैं देख रहा था कि जो कॉन्फिडेंस था एक सुपरस्टार वाले हीरो का, और परफॉर्म कर रहा है, एफर्टलेसली गा रहा है, और साइली को देख रहा है जैसे वो शर्मिला टैगोर है और तुम शशि कपूर, तुम किशोरदा हो और वो लता जी। बेटा मैं तो चाहता हूं कि इसी गाने पर एक बार साइली फिर से सुर छेड़े और तुम गा तो चुके हो, बेली डांस भी जल्दी से दिखा दो, मुझे तुम्हारा बेली डांस इस गाने में देखना है जल्दी। 1 2 3 4 हो जाए। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी। मुझे लग रहा है कि यही नहीं, हमारा पवन छोटा मोटा प्यारा प्यारा पवनू जो शांत रहता है वो भी बेली डांस करने के लिए बैठा है। कम ऑन, 1 2 3 4 वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो HR, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ। कोई भी हमारे प्रत्युष को मैच नहीं कर पाया अभी। Impossible. जाने जाओ ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें, दिन मैं यहाँ से वहाँ, जाने जाओ ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें, रात दिन मैं यहाँ से वहाँ, मुझको Hey!
वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है। वेरी नाइस आयशा, थैंक यू भैया, अच्छा गाया आपने, थैंक यू। आयशा कितनी मीठी आवाज है आपकी, और आपकी 7 साल की सिर्फ उम्र है, ऐसी चीरती हुई आपकी आवाज थी। हाँ अलका जी, ऐसा प्रोजेक्शन है वॉइस का। तो अपने आपको याद दिला रही थी कि सिर्फ 7 साल की लड़की है, इसको वो सुर की पहचान, वो लो ऑक्टेव में आला, फिर ऊपर गाना गाना, और फिर वो जो नोट्स इसके लगते हैं, ये कोई इतना ऐसा आसान गाना नहीं है, 7 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल आसान गाना नहीं है। और तुम बहुत क्यूट डॉल लग रही थी, छोटी सी डॉल गा रही है इतना बड़ा गाना। थैंक यू मैम। इसने ना पकड़ना बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि एक तरफ अलग लाइन चल रही है और दूसरी तरफ उसकी हार्मनी नीचे गा रही है। क्या गाया है आपने, छा गई आप। मैंने उन्हें एक कपल डांस करवाया था। कपल डांस? हाँ जी। अच्छा तो साइशा आप दिखाएंगी कि आपने क्या सिखाया, और हम ज्यादा उत्सुक हैं ये देखने के लिए कि पवनू ने सीखा क्या है। लाइए अपना माइक। Wow. In 3, 2, 1, go. Surkh wala, soz wala, bez wala love. Hota hai jo love se zyada. आज दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हो। इश्क वाला लव जाके बादलों की चाल के पीछे से कर चांदनी है मुझको इतना, लेकिन और सारा चांद मेरा ये तो है छुपा छुपा हुआ। क्या बात है, क्या सिखाया है। How sweet is that? बहुत बढ़िया। How sweet. एक कन्या थी जो इस सेट पर अकेले अकेले आपके स्टेप्स को फॉलो किए जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि आपके बदले में काश वो होती, अरे तो उन्हें बहुत मजा आता। काश क्यों आदि, वो तो है यहाँ पे। नहीं मतलब यहाँ पे। हाँ ये तो यहीं पर आ जाएंगी। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। आइए आइए। नहीं नहीं, नो 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 नो, अरे आप भी तो, अपना ही तो शो है, आ जाओ। अरे अपना ही शो है, इतना अच्छा रिहर्सल हो गया वहाँ पे। सुबह धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दे मुझ
क्या ट्रेनिंग दी है साइशा आपने, मजा आ गया। ब्यूटीफुल अरुदीप, आई मीन अरुणिता एंड पवनदीप, थैंक यू साइशा, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो अभी तो बोल रहे थे मैं लड़की हूँ। चेंज हो गए पूरा।
पूरा चेंज हो गया। नो प्रॉब्लम बेटा, तुम लड़की थे और तुम लड़किया बनकर। नहीं नहीं नहीं, मैं लड़की नहीं। अच्छा सुनो सुनो, ये बताओ तुमने गलती से भुगा दिया था ना? नहीं चेंज हो गया। अब गलती तो मान लो कम से कम, अब वो भी नहीं मान। या तो गलती हो गई या तो तुम लड़की हो। लड़की नहीं हूँ। तो फिर गलती हो गई। लाइफ में गलती हो जाए ना तो मान लेना चाहिए बेटा। ये तो वक्त बदल दी, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी। हम समझ गए और इतना क्यूट मिस्टेक थी ये। लेकिन इसको देखो, ये कभी मानता नहीं है किसने गलती करी है। वो बात को ऐसे घुमा रहा है गोल 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 कि सबको हम लोग को झूठा साबित कर रहा है। और वो जो अंतरे में तुमने जगह ली थी, पहले से पहचान है। दीवाने हो गए थे हम लोग तुमने जो एसपी बाल सुब्रमण्यम जी की जो हरकत को परफेक्ट आइडेंटिफाई किया, सीखा, इंप्लीमेंट किया और बॉल आउट ऑफ द पार्क सिक्सर मार दिया। ऋतुराज, इस बात के लिए दुश्मन की तरफ से। पर मैं कटी हूं। अरे तू कट्टी हो या बट्टी हो, लेकिन तूने गाया बहुत अच्छा है। अच्छा जो भी गलती हो चाहे ना हो, बहुत ही क्यूट था, हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। और ऋतुराज, हो सकता है तुम्हारी गलती इस बार ना हो, लेकिन अगली बार कभी हो ना तो मान लेना, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, डन डन। थैंक यू ऋतुराज, थैंक यू हर्षिता, थैंक यू कैप्टन सलमान। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जाने से पहले मैं इसे एक बात कहने, हाँ, कल बोलेंगे, कल सब कुछ आज ही बोलेंगे तो फिनाले तक क्या करेंगे? लेके जाओ इसको, लेके जाओ, बहुत ज्यादा सीख रहा है ये, लेके जाओ। अलका जी, क्या कोई है जो आपके लिए पिरामिड ऑफ इजिप्ट, आईफिल टावर या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना सकता है? वो जी हाँ, जिनके पापा को है अलका जी के चेहरे पर एक मुस्कान की आस। दानिश के दबंग से उनकी बिटिया अरुणा दास। हाय अरुणा। हाय। कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। और अरे तुम्हारे पापा हैं कहाँ मगर आज? पापा को मिलने के लिए अलका जी बड़ी बेताब है, लेकिन मैं बड़ी बेताब हूँ सच में। जी मम्मी जी, आपस में ताकधीन हो गया। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन। जाइए जाइए, बैठिए 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 बैठिए। ऑल द बेस्ट, एक बार जोरदार तालियां। ऑल द बेस्ट अरुणा। थैंक यू दानिश भैया। और गाने में ये कहना चाहती हूँ
यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर. कि तुम्हारे लिए और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुमने दुनिया खिला दी है. दानिश, थैंक यू सर. आपकी 10 की 10 उंगलियां कढ़ाई में हैं और सर भी कढ़ाई में हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर. क्योंकि आप लगातार हैट्रिक मार दिया आपने, मतलब ये. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.